हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब दोस्तों, आज लावड़ा के अंदर आप लोगों को दिखाते हैं कि इफ्तारी करते हैं ना, वो दिखाते हैं कि कैसे व्यवस्था करते हैं। और हमारे साथ है हुसैन भाई, है इस साइड में बैठे, और ये क्या है कि थोड़ा गाइड करेंगे हमको कि सुविधा सारी संभालने वाला ये यहाँ जाके मिलते हैं आप लोग। तो निकलने की तैयारी करते हैं, अजान लग रही है, और हमारे साथ में ये रोजे रखने वाले भी है और ये भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। दोस्तों अब निकलते हैं मस्जिद के अंदर, वहाँ देखते हैं कि क्या क्या सुविधा है वहाँ पे और क्या क्या कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो का फुल एंजॉय लीजिए और देखते हैं कि वहाँ पे ये हमारे जूते आ गए। चलो चलो निकलते हैं, और हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, आ चुकी है हमारी गाड़ी। स्टार्ट, तो लेट्स गो। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वहाँ जाने के बाद में, तो ये सामने हमारी मस्जिद है, टीम लगा दी, लेकिन ये सामने जो कचरा पात्र है इसका भी बताएंगे इसका काम क्या है। और सामने उम्मीद भाई ये काम कर रहे हैं, इस साइड में देख सकते हो आप, ये टेंट वगैरह और कुछ लगाने का उम्मीद भाई इस साइड में लगे हुए है। और सामने उमर काका है, और हुसैन भाई, इमरान भाई है, और ये अमीन चाचा है, और काम करते हुए ये अंदर हो रहा है, थोड़ा लगे जाएंगे। अच्छा अच्छा, बच्चे जोरे जोरों से लगे हुए हैं, अंदर से मिट्टी निकाल रहे हैं। सामने से देख पा रहे होंगे कि ये रास्ता है, छोटा गेट है, इसको हताई बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे हुसैन भाई ये जो सारे काम करवा रहा है, ये खराब हो चुका, इसको साइड में रख दिया। और अच्छे अच्छे फूल फूट है यहाँ पे, बड़े जोरों शोरों से लगे हुए हैं। हाँ हाँ, बोल बोल, इसकी स्पीड बढ़ा देना सर। जो कार्य काम है वो सारे हो चुके हैं, नमाज से पहले पहले निवट चुके हैं। अब इस साइड में पता नहीं हुसैन भाई पनखजू निकाल रहे, थोड़ा साइड में भी देख सकते हो आप। तो ये सारे कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त हो रहा है, और उस साइड के अंदर ये सारे टेंट वगैरह जमेंगे। जमने के बाद में आपको टाइम लेफ के तौर पे भी दिखाएंगे कि ये अभी फिलहाल क्या है कि ये पनखजूर वगैरह ये सारे सेट कर रहे हैं। आज नींबू शिकंजी नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों के गले ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि उससे सर्दी होके बहुत जनों के तबीयत ख़राब है, नाक जुकाम तो होता रहता है। और आप लोगों को दिखाते हैं, पूरी वीडियो कम्प्लीट बने रही है। सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत है। तो टेंट हाउस साइड से चालू हो चुके हैं, तो इस साइड में देख सकते हो आप, इस साइड से कम्प्लीट ही होते हुए यहाँ से कम्प्लीट ये खंबा है इस साइड से लेके, क्योंकि ये पूरा रास्ता छोड़ देंगे उस साइड से, उस साइड से, क्योंकि जो भी मोटरसाइकिल वगैरह आते हैं ना उस साइड हो जाएगा। और ये यहाँ से पूरा कनाते वगैरह सब अभी देखते हैं कैसे खूबसूरत माहौल होता है। इस साइड में देख पा रहे होंगे इमरान भाई, बड़े पता भी नहीं चलता है कि इस साइड में क्या हो रहा है, सारी पब्लिक यहाँ पर बैठेगी। गाँव वाले भाई है वो फल फ्रूट वगैरह को, केले वगैरह यहाँ पे आके पकड़ा देते हैं। और हमारे भाई जो भी मेहनत कर रहे हैं, इस साइड में देख पा रहे होंगे ये इनायत बेग है, इस साइड में अबीद बेग है, और हुसैन भाई मेन हमारे उम्मीद भाई भी बड़े जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और इस साइड में महबूब टाउन है गाँव का, जो पूरे महीने के रोजे रख रहे हैं। तो यहाँ रस्सी बांधने उम्मीद भाई शानदार, सुभान अल्लाह, पहले टूट चुकी होगी ये रस्सियाँ, और बाकी वो थोड़ा बहुत कम बाकी रह गया वो दिखाते हैं आप लोगों को। ये क्या दो रहे हैं, क्यों क्या हो गया इसमें, अच्छा थोड़ा खराब हो रहा है इसको धो के। अच्छा अच्छा, ऊपर जो चाशनी वगैरह रहता है ना वो धुल के साफ हो जाती है। अच्छा अच्छा, इस वजह से इसको तोला जा रहा है, इसकी थोड़ी ज्यादा मिठास इसमें थोड़ी कम किया जा रही है। मक्खी मक्खी वगैरह नहीं बैठते, मस्जिद में सामान पकड़ाते हुए। और आबिद भाई यही साइड में, और आप लोगों को दिखाते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो के अंदर कोई दो दिखावटी नहीं है, और पूरी कोशिश करते हैं। सिद्धाम भाई भी आ चुके हैं पीछे, देख पा रहे होंगे पूरे महीने के चल रहे हैं भाई आपके रोजे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा पानी वगैरह भर रहा है इसलिए थोड़ा साफ सफाई हो रहा है, और देखते हैं इस साइड में क्या हो रहा है। कंप्लीट हो चुका है भाई, आम है, आम है, केले वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं। ये कचरा है जो, ये कचरा भैया कहाँ पे फेंकते हो आप,
ये कोई भी ले जाता है अपनी भैंसों को खिलाने के लिए। अच्छा, कोई भी ले जा सकता है अपनी तरफ से। जैसे मान लो कोई फालतू कचरा कचरा रहता है, किसमें फेंकते हो आप? आएगा भी इसका रक्षा आएगा। हाँ, जैसे बता रहे हैं ना गाइस, आप पिछली बार उतरे थे, ये कचरा उठाना है जो सरपंच साहब ने पंचायत की तरफ से गांव वालों को अभी कचरा फेंकने के लिए दिया हुआ है। तो अब देखो शानदार, कितना शानदार लग रहा है। अभी ये कनाते बचने वाली यहाँ पे, और हुसैन भाई भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। उस साइड में उम्मीद भाई है, उस साइड में इकराम भाई है, आबिद है उस साइड में। सारे फ्रूट यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से बचाते हुए, और ये भाई सारे मेहनत कर रहे हैं उस साइड में। ये पता नहीं क्या मांग रहे हैं, पातल मांग रहे हैं। मैं तो भाई पातल दो, विक्रम भाई पातल मांग रहे हैं। वो सारे सामान उस साइड में बचाते हुए, फल फ्रूट वगैरह। उस साइड में सारे पातल बच चुके हैं, और उस साइड के अंदर पूरी कंप्लीट हो चुकी है, देख पा रहे होंगे। हर थाली के अंदर ये सामान भी और होंगे। ये हमारे गांव का ऑफिस ताहिर अली साहब, ये देख सकते हो आप लोग, कंप्लीट ये सारे सामान है। उस साइड के अंदर जाके दिखाते हैं, अब देखते हैं कि और कौन कौन सी जगह है, और आगे देखते हैं। इस साइड में सलीम भाई बैठे हुए हैं, हमारे गांव का, ये कान्हा जी बोलते हैं इसको। कन्ना सलाम वालेकुम। देख कार्य पूरा काम ये संभालने के लिए आए है, आज आदमी कम है इसलिए भाई को बुलाया था। तो सलीम भाई आप रोजे में हो जी? अच्छा, पूरे महीने के जी, इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई रोजे में, अभी इंतजार करते हैं। बाहर का नज़ारा ये है, क्या खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। इस साइड में आप लोगों को दिखाते हैं एक बार टाइम लैप, तो देखते रहिए। सिंगल है, इसको डबल कर किया जा रहा है बीच में से करके। ये पहले ऑलरेडी है इसके अंदर अच्छा ऑलरेडी है, अब इसको डबल किया जा रहा है। बीच में चीरा लगा के उस भाई ने चीरा लगा दिया, अब इसको अलग अलग करके थोड़े और सामान काटे जा रहे हैं। इनायत बेग सारे डिस्कस कर रहे हैं, और देख पा रहे होंगे कि नीचे का सीन ये है, और इस साइड में देख पा रहे होंगे, देखो ये सारा सेटअप निश्चित में किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद में रोजे खुलने वाले हैं। आ चुका है यहाँ पे, और भाई आज गुमनाम भाई ने भी अब बिरयानी आ चुकी है। भाई का है इसकी तरफ से है, और ये सारे पब्लिक आ चुका है, और अब बिरयानी भी बिछने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा नज़ारा, माशाल्लाह क्या खूब नज़ारा दिखाई दे रहा है। कोने में देखते हैं कि ये सारा नज़ारा यहाँ से कम्प्लीट ही, पूरी पब्लिक यहाँ पे आने वाली है। बच्चे वगैरह देखते हैं कि कितने सारे हैं, और सारे रोजेदार अभी आने वाले हैं। बाकी यहाँ पे पूरा है हमारे गांव का बूढ़ा आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है। जहीर भाई जी हर साल रोजे रखते हैं। हुसैन भाई सारे बिरयानी वगैरह वहाँ पे परोस रहे हैं। उम्मीद भाई डबल डबल कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ज्यादा लग रही है। हम यहाँ से शरबत की गिलास है, देख पा रहे होंगे, ये पूरी कम्प्लीट ही सबके एक एक, एक दो दो गले से होगी। देखते धपा धपा के पिलाते हैं, यहाँ पे बिरयानी भी हो रही है। यहाँ पे सारा कंप्लीट होने में सिर्फ अब आधा घंटा और बचा है, देख जाएगी यहाँ पे कंप्लीट। आप देख सकते हो इस साइड में सारे सेटअप हो चुके हैं यहाँ पे, बिरयानी वगैरह, और आप लोगों को पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, बने रहिए आप लोग। सारी पब्लिक कितनी आती है यहाँ पे, ओके। पब्लिक को ही कोई परेशानी ना हो, ये रास्ता रख दिया, और यहाँ से आने जाने का रास्ता है। सारे जो कचरे वगैरह यहाँ पे परेशान जाएगा, और पब्लिक आ रही है, वो चलो लेट्स गो। और देख पा रहे होंगे कि हुसैन भाई ट्रेन को खाली कर रहे हैं, थोड़ा सामान और बाकी रह गया, वो पब्लिक दे रही है इसलिए वो कंप्लीट कर रहे हैं दो चार वगैरह। और उम्मीद है पता नहीं सारे कचरे वगैरह बाल्टी वगैरह सब सारे सामान को इकट्ठा करके एक साइड में, ये पानी वगैरह है वेस्टेज, इसको डोलने जा रहे हैं इस कचरा पात्र के अंदर। देखते कितना टाइम वो लगता है, पब्लिक जोरों शोरों से लग रही है, पतला वो जगह दिख रही है इसलिए यहाँ पे रख दिया। ये एक साइड में रख दिया, जाहिर भी क्या कि दूसरी जगह पे रोजे खोलते हैं इसलिए वहाँ पे ले जाके कर रहा है, क्योंकि बच्चे वगैरह यहाँ पे ज़्यादा परेशान। सारे सिकंदर भाई बैठे हैं यहाँ पे, बोल रहे भाई पनखजूर वो निकालो। चारों कोनों से दिखाते हैं कि आप लोगों को
ये कम्प्लीट ही, इस साइड की तो पूरी कम्प्लीट हो चुकी है बिरयानी, दो प्लेट रखाते हैं, ये ठेठ तक कम्प्लीट हो चुकी है और ये तीन बाकी है, इसमें बाकी है, इसमें बिरयानी वगैरह सब कुछ पटकेंगे। तो ये तीसरा होते हुए इस साइड में, और दूसरा तीसरा कोना उस साइड में से पहले दिखा दिया आप लोगों को, उस साइड में दिखा दिया, और ये कोना है। तो देख आज हमारे गांव के अंदर हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, इसलिए बच्चे वगैरह सारे ऊपर जा रहे, हेलीकॉप्टर आ रहा है, गाड़ी के अंदर थोड़ा गिरा दिया, बच्चे बोल रहे हैं कि मेरी भी वीडियो लो, ये भाई बेटे हमारे पीछे दोस्त है और पीछे हमारे दोस्त है, और ये पब्लिक भाई है हमारा बाप, मैंने बना दिया हमारा भाई ब्यूटीफुल सुंदर है। इमरान भाई बड़े जोरों शोरों से है ना बिरयानी डाल रहे हैं अंदर, सुभान अल्लाह, हाँ बड़ी मेहनत करते हैं भाई, हमेशा आता है और पूरी लगन से पूरा काम करता है ये, और उस साइड में पानी वगैरह सारे कंप्लीट हो रहे हैं, शरबत वगैरह पानी वगैरह की सुविधा हो रही है, और इस साइड में थोड़े बहुत, इस साइड में एक और कनाल है, आ चुके हैं माशाल्लाह, बार बार देखने को जी जा रहा है मस्जिद को, फाइनल रूप में मिलते हैं पब्लिक की। सिर्फ एक और कनात रह चुकी है यहाँ से लेके ठेठ तक, तो ये देख सकते हो सारी पब्लिक यहाँ पे है। तो चाचा आ चुके हैं, पूरे महीने के रोजे रख रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, ये सारी कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ ये दो बाकी रह गए, इसमें बिरयानी होने के बाद में फिर पूरा कम्प्लीट हो चुका है, पूरा नजारा ये है, ये फाइनल लुक है, अब आप लोग देख पाएंगे कि, और हमारा कैमरा यहाँ पे रखा जाएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं छत के ऊपर, यहाँ पे पूरा नजारा देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे मस्जिद है, सारे बच्चे जम रहे हैं, अब आप लोगों को दिखाते हैं कि स्पीड में वीडियो। ये है कम्प्लीट, ये ऊपर से दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये नीचे का वज्जू खाना है, और उस साइड के अंदर देख पा रहे होंगे कि आप लोग वज्जू खाना है, इस साइड से लेके उस साइड तक सारी गांव की पब्लिक यहाँ पे है, सामने का मस्जिद का नज़ारा है माशाल्लाह, वो पार्किंग वगैरह वहाँ पे है, वज्जू खाना यहाँ पे, मस्जिद यहाँ पे, पब्लिक यहाँ पे, और वज्जू खाना हुए आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे वगैरह यहाँ पे वज्जू करके, सारे सेटअप पूरा कम्प्लीट हो चुका है, अब जस्ट थोड़ी देर बाद के अंदर आप लोगों को देख पाएंगे कि सारे रोजे खोल लेंगे माशाल्लाह। सबसे भाई साहब उस साइड में बैठे हुए आप देख पा रहे होंगे कि, और पब्लिक यहाँ पे कलमा पढ़ा रहे हैं, वक्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुके हैं सारे,
जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि रोजे खुल चुके हैं और अब लोग अब देख पा रहे होंगे कि सारे कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग निकलने की तैयारी करते हैं। या थोड़ा बहुत और दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो सारे सामान वगैरह है जो किस किस में रखते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। पा रहे होंगे कि इस साइड के अंदर सारे रोजेदार वगैरह और इस साइड में इरफान भाई आ रहा है, पता नहीं पीछे रह गए। अच्छा, ये नमाज के लिए आए, अब नमाज पढ़ेंगे सारे लोग। तो हम लोग निकलने की तैयारी, हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। फाइनली एक सफाई होते हुए जो सारे कचरे वगैरह है इसमें गिरा रहे और देखते हैं, और सारे कचरे इसमें गिराए रहे, डिस्पोजल वगैरह। पब्लिक आ रही है, जो आ रही है, जो क्या है कि फालतू जो रोजगारदार नहीं है ना, वो बच्चे वगैरह को बैठा के और खिला रहे, क्योंकि ये सारी सफाई कंप्लीट ही होती हुई। और ये सारे कूड़ेदान के अंदर सफाई, जमाने में कितना टाइम लगा था लेकिन साफ सफाई करने में कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है। खाली हो चुके हैं यहाँ पे, जूस वगैरह ये कचरे सारे पात्र हो चुके हैं। अंदर नमाज हो रही है और ये सारे सिस्टम वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं। चलो फाइनल लुक के अंदर मिलते हैं, अभी क्या है। सुभान अल्लाह, हमारी इफ्तारी की व्यवस्था समाप्त हो गई। नमाजी नमाज पढ़ के बाहर में आए, उससे पहले पहले छाए रहे, अभी नमाज वगैरह नमाजी पढ़ रहे हैं अंदर, ये कंप्लीट हो चुका है। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह, बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं। लग रहा है क्या पहले क्या था अब क्या है, सारे बच्चों को ठंडाने देख पा रहे होंगे कि ये हमारे कचरा पात्र की सूखा कचरा लिखा हुआ है, सारे कचरे वगैरह इसमें है। और ये टंकिया है जो 4-5 दिन का कचरा रहता है उसके अंदर डाल के फिर इसके अंदर डाल के बाहर फेंका जाता है। और ये पिछला सेटअप आपका देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई वजह खुलवाए थे। तो हम फाइनली हम पहुंच चुके हैं। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग? अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि कोई और भी देख सके, क्योंकि हमारे को सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। जय हिंद, जय भारत, सलाम वालेकुम।